हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 0.75, 0.50, 1 मार्क्स, 1.25 इतने मार्क्स से उनका SBI जूनियर एसोसिएट मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक सवाल मन में आ रहा है कि पहली वेट लिस्ट कब तक आएगी और मेरे चांसेस क्या हैं। देखो, जो बहुत ही माइनर सा मार्जिन है, जैसे कि 0.25 है, 0.75 है, इवन 1.5 तक का है, मैं आपको बता दूँ, इतनी वेटिंग लिस्ट में ये नंबर वालों को कंसिडर कर लिया जाता है। पहली वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ये क्वेश्चन आपका है। तो आपको बता दूं, अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इस दिसंबर तक में इन लोगों को ज्वाइनिंग के लिए लेटर्स वगैरह दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि पहली जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी जनवरी मिड या फिर जनवरी एंड में ये हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इन लोगों की ज्वाइनिंग दिसंबर एंड तक हो जाती है, जैसा कि हो भी जाएगी, नंबर मिड में रिजल्ट आ गया है और हर हाल में SBI इनको पहले बुला लेगा, तो वहां से ये एक नंबर्स मिल जाएगा कि कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, जिन लोगों ने छोड़ दिया है, तो आगे उनके पास में एक आंकड़ा आ जाएगा, फिर वो अगली लिस्ट को जारी करेंगे। तो अभी के लिए तो यही फिगर्स हैं कि पहली लिस्ट में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अब ये देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं। बाद में RTI भी डालूंगा एक बार मैं, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो कुछ स्टेट की RTI से हमें एक क्लियरेंस मिल जाएगा कि कितने लोग फर्दर LPT या फिर आगे DBU जैसे प्रोसेस में फेल हुए या कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो फिगर्स हमें तब अगली वेटिंग लिस्ट के मिल पाएंगे। तो आप लोगों के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अभी IBPS क्लर्क है, इस पर 100% लगा दो अपना। IBPS PO है और SBI PO चल रहा है, हर एक एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने मेंस दिया है और आप बहुत ही कम मार्जिन से रह गए हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा बूस्ट करने की जरूरत है और अपने आप को एक एक्स्ट्रा लेवल पर ले जाने की जरूरत है। तो हार मत मानो, तैयारी मत छोड़ो और वेट लिस्ट का इंतजार भी मत करो, वो आ जाएगी, आपके लिए जैकपॉट होगा, आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। लेकिन अभी के जगह एग्जाम्स हैं, इस पर हमें अपना 100% फोकस रखना है। दोस्तों, मॉक टेस्ट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो, लेवल बढ़िया है, ऑलिव बोर्ड भी ठीक है, उसमें भी हाई लेवल आपको पजल्स DI मिल जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस मॉक का पहला फ्री टेस्ट बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दो मॉक टेस्ट आपको एक अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इन दो के कॉम्बिनेशन में चल सकते हैं। फ्री टेस्ट बनाना चाहते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफ़ी सारी क्विजेज हैं सेक्शन बेस्ड, वो भी आप बना सकते हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए रखी है। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।